अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रोटेशनल डायनामिक्स का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। रोटेशनल डायनामिक्स इस चैप्टर के अंदर हमें दो टाइप के मोशन, दो टाइप की हरकतें देखनी हैं। सबसे पहले जो बिट हमने कवर किया था वो है हमारा दायरवी हरकत, यानी के सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के हमने तमाम पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सर्कुलर मोशन, दायरवी हरकत क्या होती है, उसकी खसूसियात, जाव्याई हटाव, जाव्याई रफ्तार, जाव्याई इसरा, मुजरद हरकियाती मसावातें, मरकज जो खुवत, मरकज गुरेज खुवत में फ़र्क देख चुके हैं हम। इसके बाद मुनहन युफ्क सड़क पर गाड़ी की आज़म चाल का फ़िक्रा अक्स किया है, पुश्तबंदी क्या होती है, पुश्तबंदी के लिए फ़िक्रा अक्स कर चुके हैं। उसके बाद हमने मौत का कुआं, कोनिकल पेंडोलम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वेलोसिटी और टेंशन, यहाँ तक हम डेरिवेशन जो है वो डिराइव कर चुके हैं। अब जो चैप्टर का नेक्स्ट बिट है वो है हमारा रोटेशनल मोशन, यानी गर्दिशी हरकत। इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने गर्दिशी हरकत क्या होती है ये बता दिया था, फिर से एक मरतबा बता देती हूँ कि जब कोई जिस्म अपनी हालत को तब्दील किए बगैर किसी मुतायन महवर के गिर्द घूमता है तो इसकी हरकत को हम गर्दिशी हरकत कहते हैं। यानी कि जिस तरीके से एक जिस्म अपनी हालत को तब्दील नहीं कर रहा है और वो अपने महवर के गिर्द घूम रहा है, ऐसी हरकत को हम गर्दिशी हरकत कहते हैं। जैसे कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द क्या करती है, हरकत करती है, सूरज अपने महवर के गिर्द हरकत करता है और दीगर सैयारे भी अपने महवरों के गिर्द हरकत करते हैं। इसके अलावा हमने जो मिसालें देखी थी, फैन की हरकत देखी थी, लट्टू की हरकत देखी थी, ये तमाम हरकतें जो है गर्दिशी हरकत की क्या है, मिसालें हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अजसाम के बारे में, बात करते हैं कुछ बॉडीज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको 11th क्लास में इलास्टिसिटी चैप्टर हो गया है, लचक सबक हो गया है, इसके अंदर हमने देखा था कि जो कोई जिस्म जो है जिसके अंदर लचक की खसूसियात पाई जाती हैं वो लचकदार अजसाम कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर रबर की बात करें हम, कि जब हम उस पर क्या करते हैं, क़ुव्वत लगाते हैं, तो क़ुव्वत लगाने के बाद उसकी हालत क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है, लेकिन क़ुव्वत हटाने के बाद फिर से वो अपनी पुरानी वाली हालत पर आ जाता है। मिसाल के तौर पर हमने देखा था रबर, तो ये एक इलास्टिक बॉडी की मिसाल है। उसी तरीके से होती है प्लास्टिक बॉडी, यानी कि गैर लचकदार जिस्म होता है। गैर लचकदार जिस्म मिसाल के तौर पर है, जैसा कि हम च्युइंगम की बात करें, तो अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी कि इसको च्युइंगम को जब चबाया जाता है तो अपनी हालत को क्या कर लेता है, तब्दील कर लेता है, लेकिन फिर से जब हम क्या है उसे अपनी पुरानी वाली हालत पे नहीं ला सकते हैं, जैसा कि आटा है। ये मुख्तलिफ मिसालें जो आप 11th क्लास में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट बॉडी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी यानी कि मुस्तहकम जिस्म कहा जाता है। अब मुस्तहकम जिस्म क्या होता है, ये ऐसा जिस्म जिसके जो ज़र्रात होते हैं वो ज़र्रात क्या करते हैं, अपना जो है डिस्टेंस जो है वो क्या है, चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप लोगों को यहाँ पर एक रिजिड बॉडी नज़र आ रही है, जैसा कि पत्थर। हम पत्थर पर कितना भी क़ुव्वत क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसके जो ज़र्रात है वो क्या होंगे, चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। पत्थर पर कितना भी फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी हालत को तब्दील नहीं करता है, लेकिन वो आइडियल नहीं है। एक कंडीशन ऐसी आएंगी कि पत्थर पर अगर हम बार बार उसको क्या करें, हैमरिंग करें, तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसके ज़र्रात अलग अलग हो जाते हैं। तो कायनात में कोई भी शय जो है वो मुकम्मल तौर पे रिजिड नहीं है। तो एग्जांपल जो है हम हीरे को लेते हैं, कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्स की जो रिजिड चीज़ है वो कौन है, हीरा है, सबसे सख्त शय है। तो हमें जो है यहाँ पर देखना है कि ये रिजिड बॉडी आप लोगों को जो है नज़र आ रही है। रिजिड बॉडी का यहाँ पर कोई भी शेप नहीं है, आप बस इस तरीके से उतार लेंगे। मिसाल के तौर पे क्या है, ये पत्थर है या एक रिजिड बॉडी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। आप देखिए कि जो ये जो जिस्म है, रिजिड बॉडी नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है हमें क्या नज़र आ रहा है, इसके मुख्तलिफ किस्म के ज़र्रात से ये बनी हुई है। और पहला ज़र्रा है जिसकी कमियत क्या है, M1, दूसरे ज़र्रे की कमियत M2, तीसरे की M3, चौथे की M4 और पाँचवें की M5। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर, लामहदूद क्या हो सकते हैं, ज़र्रा जिसमें हो सकते हैं, जिनकी कमियतें यहाँ पर आप लोगों को दी गई है, M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड सो ऑन अप टू MN, कहाँ तक हो सकते हैं, MN तक हो सकते हैं। अब ये हम फर्ज कर रहे हैं कि एक्सिस है, ये महवर है जिसके अतराफ में ये बॉडी क्या कर रही है, गर्दिश कर रही है। तो एक्सिस से लेके तो ये जो ज़र्रा है इसके ये जो ज़र्रे तक का जो फासला है, इसको हम क्या है, फासले को हम R से ज़ाहिर करते हैं। जिस तरीके से हम
अगर कभी सर्कल होता है, दायरा होता है, तो रेडियस को आर से जाहिर करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हम फासले को कैसे जाहिर कर रहे हैं, आर से। तो एम वन के लिए जो फासला होगा वो होगा आर वन, एम टू के लिए होगा आर टू, एम थ्री के लिए होगा आर थ्री, एम फोर के लिए होगा आर फोर, और एम फाइव के लिए होगा आर फाइव। इस तरीके से ये फासले आप लोगों को क्या है, नजर आ रहे हैं। तो ये हो गई है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी यानी ऐसी बॉडी जिसके अंदर जो है जर्रात अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं करते, और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने पर भी क्या होगा, वो अपने डिस्टेंस जो है वो चेंज करते नहीं है। तो ये हो गई है रिजिड बॉडी। अब इसमें जो है, ये तो हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, अब इसमें जो है हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये है जमूद का मियारे असर। जमूद का मियारे असर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। हम इसे आई से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। अब ये जमूद, जमूद आप लोगों ने जो है नाइन्थ क्लास में भी आप लोगों को ये वर्ड से आप वाकिफ हैं। जमूद यानी कि इनर्शिया, यानी कि जब कोई ऐसी तबई मकदार होती है जो क्या है, जिस्म की कमियत, यानी जमूद की पैमाइश है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई जिस्म क्या है रेस्ट हालत में है, यानी ये क्या कर रहा है, उसके जमूद को क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। इनर्शिया को क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपने फॉर्मूला याद रख लेना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, एम यानी के कमियत है और आर यानी के क्या है, जो उसका फासला है गर्दिशी महवर से, जो फासला है उसका क्या करना है, मुरब्बा लेना है। तो आप पहले बेसिकली याद रख ले कि आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। अब यहां से हम शुरू करते हैं, इसकी तारीफ क्या है, जमूद का मियारे असर हम किसे कहेंगे। किसी जिस्म का जमूद का मियारे असर, यानी ये जमूद का मियारे असर, इस जिस्म के तमाम जर्रात की कमियतों, तमाम जर्रात की कमियतों यानी जितनी यहाँ पे आपको जर्रों की कमियतें नजर आ रही हैं, एम वन एम टू एम थ्री, इन तमाम की कमियतों और गर्दिशी महवर से इन तमाम कमियतों के फासले। ये गर्दिशी महवर है, गर्दिशी महवर से फासला क्या हो गया, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ये के मुरब्बे, फासले के क्या करना है, मुरब्बा, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे हम, मुरब्बा लेंगे, के हासिल ज़रब के मजमू के मसावी होता है, इसको हम आई से जाहिर करते हैं। ये हो गई है जमूद के मियारे असर की तारीफ। यानी मैंने पहले ही कहा था ये क्या है, कमियत है, ये है फासला, उसका मुरब्बा ले लेंगे हम, तो एम आर स्क्वायर, यानी एक जर्रे के लिए क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो इन सब का क्या करना है, हमें तमाम जर्रात की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो तमाम जर्रात की कमियतों और गर्दिशी महवर से इन तमाम कमियतों के फासले के मुरब्बे के हासिल ज़रब का हमको मजमुआ करना है। तो देखिए किस तरीके से, तो फार्मूला ये हो जाएगा, ये फार्मूला हम आपको लास्ट में समझा देंगे। तो क्या कैसे पढ़ना है, आई इज इक्वल्स टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, ये इसका जमूद के मियारे असर का क्या है, फार्मूला है। अब वजाहत देखिए, वजाहत से क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा क्या है, कि फर्ज कीजिए कि एक जो है जिस्म है और वो क्या है, बेलोच जिस्म जो है अपने गर्दिशी महवर के गिर्द क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जिस्म जो है क्या कर रहा है, गर्दिशी हरकत कर रहा है। अब हम फर्ज करेंगे कि इसमें एन जर्रात मुश्तमिल है, ये जो जिस्म है वो एन जर्रात पर क्या है, मुश्तमिल है। तो पहले जर्रा है जिसकी कमियत एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव, तो कहाँ तक लेंगे हम इनकी कमियतें, एम एन तक लेंगे, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एंड सो ऑन अप टू एम एन, जो गर्दिशी महवर से बिल तरतीब कितने फासले पर है, ये आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और आर फाइव, इस तरीके से आर एन तक के क्या है, ये फासले पर है। तो गर्दिशी महवर के गिर्द जमूद का मियारे असर क्या होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जमूद के मियारे असर का फार्मूला होगा एम आर स्क्वायर। तो अगर हम पहले जर्रे की बात करें तो पहले जर्रे के लिए क्या फार्मूला होगा, पहले के लिए अब हम सबके लिए लिखेंगे एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर पूरा हम लिख लेंगे। लेकिन पहला जर्रा है तो एम वन आर वन स्क्वायर, दूसरा जर्रा है एम टू आर टू स्क्वायर, तीसरा जर्रा है एम थ्री आर थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एम एन आर एन स्क्वायर, यानी जितने तमाम जिस्म के जर्रात हैं उन तमाम जर्रात के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है, उनका हमें मजमुआ लेना है। तो कैसा लिखेंगे हम ये तमाम का मजमुआ, यानी एम एम आर स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, और ये समेशन रिप्रेजेंट करता है, ये जाहिर करता है कि इन सब के हमें क्या करना है, मजमुआ लेना है। तो यहाँ पर हम आई आई लिखेंगे कि ये आई की कीमत शुरू हो रही है, लोअर लिमिट है इसकी वन और लास्ट की लिमिट क्या है एन तक।
तो आई की कीमत शुरू हो रही है 1 से और कहाँ तक है ये एन तक। आई इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर इसकी इकाई हमें यूनिट निकालना है कि आई की यूनिट क्या होगी। तो देखिए ये तो हो गया है इसका फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला आई का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम यानी क्या है, कमियत है, मास है, और आर यानी क्या है, फासला है। तो कमियत को कैसे नापते हैं हम किलोग्राम में, और फासले को कैसे नापते हैं हम मीटर में, तो इसका यूनिट हो गया है केजी मीटर स्क्वायर। मास को कैसे नापते हैं हम किलोग्राम में, फासले को कैसे नापते हैं हम मीटर में, और फासले की दूसरी है यानी मीटर की दूसरी, तो क्या हो जाएगा एसआई निज़ाम में केजी मीटर स्क्वायर। अब किलोग्राम का सीजीएस में क्या होता है ग्राम, और मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी सीजीएस यूनिट हो गई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी इकाई याद रखनी है एसआई निज़ाम में और सीजीएस निज़ाम में केजी मीटर स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जमूत के मियार असर की जो है एसआई और सीजीएस यूनिट के अंदर क्या है इसकी इकाई आप लोगों को दी गई है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है इसी के अंदर आप लोगों को पूछा गया है, इसके डायमेंशंस पूछे गए हैं, इसके आबाद पूछे गए हैं। तो डायमेंशंस याद रखिए m1 l2 t रेस टू 0, क्या है डायमेंशंस m1 l2 t रेस टू 0। अब जमूत का मियार असर मुंदरजल दो अवामिल पर मुनसर होता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किस पर डिपेंड रहेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले जो है ये डिपेंड करेगा जिस्म की कमियत पर, और दूसरा रहेगा गर्दिशी महवर के गिर्द कमियत की तकसीम पर, यानी गर्दिशी महवर के मुकाम पर। किस तरीके से होगा, जैसा कि हमने फार्मूला देखा है, फार्मूले के अंदर हमने क्या देखा कि आई का फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर, यानी एम तो है कमियत तो है, और जो फासला है आर आर स्क्वायर, यानी दोनों चीजों पर डिपेंड है ये, जिस्म की कमियत पर और गर्दिश महवर के गिर्द कमियत की तकसीम पर। तो ये एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब इसी की बेसिस पे हम लोगों को जो दूसरा क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा ये है गर्दिशी जिस्म की तवानाई बिल हरकत, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हमें निकालना है। तो ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, किस तरीके से निकालेंगे देखिए। मुस्तकिल जाविआई रफ्तार से गर्दिश करने वाले जिस्म की तवानाई बिल हरकत का फिक्रा अक्स कीजिए। तवानाई बिल हरकत यानी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। किसे कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, जब कोई जिस्म अपनी हरकत की वजह से उसके अंदर जो तवानाई पैदा होती है इसे हम क्या है तवानाई बिल हरकत कहते हैं। बहुत ही सिंपल है ये आंसर, आपने किस तरीके से निकालना है देखिए। फर्ज कीजिए कि कोई जिस्म मुस्तकिल जाविया रफ्तार ओमेगा से अपने गर्दिशी महवर के गिर्द क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डायग्राम के अंदर जो है थोड़े करेक्शन हम लोग करेंगे। देखिए कि ये एक जिस्म है, फर्ज कर रहे हैं कि कोई जिस्म क्या है मुस्तकिल जाविया रफ्तार से यानी कि ओमेगा से अपने महवर के गिर्द क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। हम फर्ज करते हैं कि ये जो जिस्म है इसके अंदर जो है एन नंबर जो जर्रात पर ये क्या है मुश्तमिल होता है। तो पहले जर्रे की कमियत है m1, दूसरे की m2, तीसरे की m3 एंड सो ऑन, कहाँ तक है ये जैसे कि mn तक यहाँ पर है। जो गर्दिशी महवर से बिलतरतीब इनके फासले दिए गए हैं r1, r2, r3 एंड सो ऑन rn तक। देखिए m1 से जो फासला है ये है r1, m2 से जो है वो है r2, m3 से जो है वो r3 और mn तक जो फासला दिया है वो है mrn। गर्दिशी हरकत के दौरान हर एक जर्रे की जाव्याई रफ्तार यकसा रहती है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हर एक की जाव्याई रफ्तार यानी ओमेगा सबकी कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि m1 के लिए भी हम ओमेगा, m2 के लिए भी ओमेगा, m3 के लिए भी ओमेगा, ओमेगा 1, ओमेगा 2 इस तरीके से नहीं होगा, हर एक के लिए क्या होंगी वैल्यू ओमेगा ही होंगी, ये याद रखना है। लेकिन हर एक की खती रफ्तार जो वी है वो हर जर्रे के लिए क्या होती है मुख्तलिफ होती है, यानी वेलोसिटी जो है वो हर जर्रे की क्या होंगी मुख्तलिफ होंगी। यानी m1 के लिए v1 होगा, m2 के लिए v2 होगा, m3 के लिए v3 होगा, mn के लिए vn होगा। तो हम यही लिखेंगे कि खती रफ्तार बिलतरतीब v1 v2 v3 और एंड सो ऑन कहाँ तक है vn तक है। चूंकि मुख्तलिफ जर्रात की खती रफ्तारी क्या है मुख्तलिफ है, हर एक की वेलोसिटीज जो है वो क्या होती है अलग अलग है, यहाँ पर खती रफ्तारें मुख्तलिफ है, इसलिए तवानाई बिल हरकत जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी सबकी क्या होंगी मुख्तलिफ होंगी। तो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन ही हमारा गर्दिशी जिस्म की तवानाई बिल हरकत ही निकालनी है हमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी निकालनी है हमें। तो इसकी मजमूई तवानाई बिल हरकत हम कैसे लिखेंगे, पहले जर्रे की
तवानाई बिल हरका जमा दूसरे जर्रे की, जमा तीसरे जर्रे की, जमा चौथे जर्रे की, इस तरीके से एम एन जर्रे तक की हम निकालेंगे। तो फार्मूला लिखेंगे हम जिस्म की मजमुई तवानाई बिल हरकत यानी एम वन जर्रे की तवानाई बिल हरकत जमा एम टू जर्रे की तवानाई बिल हरकत जमा एम थ्री जर्रे की तवानाई बिल हरकत एंड सो ऑन कहाँ तक एम एन जर्रे की तवानाई बिल हरकत। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर E से जाहिर कर रहे हैं, M1 के लिए E1, M2 के लिए E2, M3 के लिए E3 और Mn के लिए En तक लिखेंगे। अब हमें पता है कि तवानाई बिल हरकत का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर एक बटे दो एम वी की दूसरी, ये फार्मूला आपको पता है। तो सबके लिए हम पहले यही फार्मूला लिख लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। पहला जर्रा है इस वजह से 1-1 लिखेंगे, दूसरा है करके 2-2 लिखेंगे, तीसरा है तो M3 V3 लिखेंगे और Mn Vn तक लिखेंगे। अब इसके बाद जो है हम वैल्यूज रख लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम फर्स्ट वीडियो में ही देख चुके हैं, खती रफ्तार इज इक्वल टू निस खुतर और ये है जावियाई रफ्तार, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस तरीके से हम पूरे फॉर्मूले लिख लेंगे V इज इक्वल टू आर ओमेगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस तरीके से यहां तक लिखेंगे। अब पहला जर्रा है तो V1 यहाँ पे R का R1, अब मैंने पहले कहा है कि ओमेगा चेंज नहीं होता, सबके लिए ओमेगा ही होगा, तो R1 ओमेगा, V2 के लिए होगा R2 ओमेगा, V3 के लिए होगा R3 ओमेगा, Vn के लिए होगा Rn ओमेगा। यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है, यहाँ पे 1 लिखे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि हमने शुरुआत में ही देखा था कि ये जो जिस्म है ये मुस्तकिल जावियाई रफ्तार से क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है, और हर एक की जो जावियाई रफ्तार होती है वो कैसी होती है, यकसा होती है, यानी ओमेगा के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो अब ये जो V की वैल्यू है V1 V2 V3 की वैल्यू जो है ये हम यहाँ पर ऊपर रख देंगे, तो देखिए E की जगह पर E, हाफ की जगह पे हाफ, M1 की जगह पे M1, V1 की जगह पे क्या रखना है हमें R1 ओमेगा, तो यहाँ पे रखेंगे R1 ओमेगा, अब उसका स्क्वायर है तो R1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, हाफ का हाफ, M2 की जगह पर M2, V2 की जगह पर क्या रखेंगे R2 ओमेगा, उसका स्क्वायर है तो R2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, हाफ का हाफ, M3 का M3, V की जगह पे R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और Mn का है तो हाफ Mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। अब यहाँ पे हमें कॉमन क्या क्या नजर आ रहा है, यहाँ से हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये कॉमन है, ये हाफ ओमेगा स्क्वायर को हम क्या करते हैं ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, ये E का E लिखा है, हाफ ले लिया है हमने और हाफ और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हाफ यहाँ पे लिखा है और ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, ये जो कॉमन टर्म है हमने इसे क्या कर दिया है बाहर लिख लिया है। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर हमने हाफ ओमेगा स्क्वायर निकाल चुके हैं, यहाँ से बचा M1 R1 स्क्वायर, यहाँ से बचा M2 R2 स्क्वायर, यहाँ से बचा M3 R3 स्क्वायर और यहाँ से Mn Rn स्क्वायर। तो ये जो टर्म्स है ये हमने क्या है सेपरेट कर दिया है एक ब्रैकेट में, यानी M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर M3 R3 स्क्वायर एंड सो ऑन Mn Rn स्क्वायर। अब ये हाफ की जगह पे हाफ, अब ये क्या है तो देखिए ये जो है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जमूद का मियार है सर, अभी इससे पहले मैंने बताया था MR की दूसरी MR की दूसरी MR की दूसरी, यानी हर एक का हमें क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का क्या है ये समेशन है। तो इस तरीके से लिखेंगे समेशन MIRI स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 टू N, हाफ का हाफ यहाँ पर ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ई का ई हाफ का हाफ, ये जो फार्मूला है ये किसका है जमूद के मियार है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का फार्मूला है, तो ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमने गर्दिशी जिस्म की जो मुस्तकिल जाविया रफ्तार से घूमने वाला जिस्म है इसकी तवानाई बिल हरकत का फिक्रा जो है आगज कर चुके हैं। तो क्या फार्मूला निकल गया है हमारा फाइनल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी की, E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या है फार्मूला E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ये तो नंबर है 1/2, आई यानी जमूद का मियार असर और ओमेगा यानी जावियाई रफ्तार। अब इसको दूसरे तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि साबित कीजिए कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, अब E यानी काइनेटिक एनर्जी और N यानी क्या है तवातुर के मुरब्बे के से क्या है ये मुस्तकिम तगैयुर में होता है, कैसे निकालेंगे तो देखिए ये E की जगह पर E लिखा, हाफ की जगह पे हाफ लिखा, I की जगह पे I लिखा, ओमेगा स्क्वायर, ये तो फार्मूला हो गया है, लेकिन हमने जो है दायरवी हरकत के अंदर देखा था ओमेगा का रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला था 2πn, हाफ का हाफ I का I, ओमेगा की जगह पे 2πn, ब्रैकेट है
ब्रैकेट और ये ओमेगा का स्क्वायर लिख लेंगे हम, हाफ का हाफ, आई का आई, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, पाई का पाई स्क्वायर, एन का एन स्क्वायर। अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो यहाँ पे दो एक का दो और ये दो दूनी चार, यानी ऊपर क्या हो जाएगा दो आ जाएगा। तो क्या हो गया है फिर फॉर्मूला, ये दो, ये आई, टू आई पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, टू आई पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ये फार्मूला हमने निकाले हैं। अब चूंकि जो दो नंबर है ये तो मुस्तकिल है, दो की कीमत चेंज नहीं होगी। आई जो है जिस्म का जो जमूद कमी आ रहा है सर है, ये भी चेंज नहीं होता। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये भी चेंज नहीं होती। सिर्फ जो मिकदार चेंज होंगी वो कौन सी होंगी, तवातिर या तादुद जिसे हम एन कहते हैं। तो यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, लिहाजा गर्दिशी तवानाई बिल हरकत यानी कि ई जो है शय के तवातिर के मुरब्बे के रास तनासुब में होती है। यहाँ तक आपको फाइनल आंसर लिखना है, तवानाई बिल हरकत, गर्दिशी तवानाई बिल हरकत शय के तवातिर के मुरब्बे के रास तनासुब में होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक हमने जो है गर्दिशी जिस्म की तवानाई बिल हरकत का फिक्रा आक्स किया है। ये तमाम पॉइंट अपने नोटबुक में लिखिए और इसे याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।